अब हालात देखते लोगे भाई, शुक्र है मेरे भाई नहीं। ट्रस्ट मी, मैं अपनी दोस्त की कहानी सुनो। नंदन, नंदन क्या होता है, नंदे नंदे टाइप होती है। मैं बहुत, मैं पहले बहुत खतरनाक थी। हाँ बहुत खतरनाक। मैंने तो हमारी जो बहू होती है उसका जीना वो हमारे असली असली कहते हैं ना, सगे बहन भाई, सगे बहन सगे भाई। अगर मुझे लगता है कि अगर हमारा वाकई कोई भाई भाई हो तो ट्रूली उनको बोलती हूँ वो मेरे भाई है माशाल्लाह। चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि आपको ये होना चाहिए कि आप जिंदा हो, ये आपके लिए बहुत मुझे फॉलो कर लिया करे कोई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अकराब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मैं एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। खैर मुबारक। अच्छा भाई, हम थे लाहौर में तो सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ कर लें, तो आप बताएं अवेलेबल हैं आज? ओह माय गॉड यस, रोज़ बस आप लाहौर आई हैं तो आप वैसे ही मेरी तरफ आ जाएं, मैं आपको इफ्तारी कराऊंगी। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इफ्तारी हमारी तरफ से होगी, फिर मैं अपनी पसंद से कुछ भी ले आऊंगी आपके लिए। चले चले ठीक है, डन। ठीक है, तो कुकिंग नहीं करनी है फिर आपने? फटाफट आ जाइए। हाँ ठीक है जी, ओके, मुलाकात होती है, गपशप लगाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Okay, अल्लाह हाफिज़। समोसा पेटीज दे दे मुझे, और मुझे मिनी पिज़्ज़ास भी दे दे, बहुत मज़े के लग रहे हैं, और साथ में मुझे ब्रेड भी दे दे, चिकन ब्रेड जो है आपकी, और शामी कबाबी मुझे दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। ये तो हम इकट्ठे करेंगे, ये तो इकट्ठे ही खाएंगे, हम इकट्ठे ही खाएंगे, मजा आएगा भाई। ये लोग भी आ गई हैं दोनों। मैंने आज अपनी मम्मा को सरप्राइज दिया था। मैंने मम्मा को कहा बैठी लगी प्याज कर ले, आलू कर ले, आलू शालू छोड़े, आज इफ्तारी, आज इफ्तारी आएगी, रोटी छोटी आएगी, रोटी छोटी आएगी, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। और कैसी हैं आप? आप भी ठीक है? बताइए, देखा जरा ये दोनों भी, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तंग करती है आप लोग? ज्यादा तंग करते हो? हम ज्यादा तंग करते हैं, छोटे हैं ना, कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा ही, हम दोनों आपस में बोल लेते हैं, ये ज्यादा करती है, अभी लड़ने लग गए। नहीं नहीं, लड़ने तो नहीं लगी, ये तो चलता रहता, ये तो शुगर ऐसा ही है कि ये तो चलता ही रहेगा। आंटी बताएंगी ज्यादा कौन तंग करता है सब में से, पांचों में से। आंटी आई बैठे, आंटी आंटी आप लोग भी बैठो, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सामने बैठ जाओ, बिकॉज छोटे छोटे स्टूल है, बिल्कुल हम सामने ही बैठेंगे। और बताइए, और आप बताओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी याद कैसे आई? हाय मत पूछे, एंगेजमेंट हुई आपकी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच यार। एंगेजमेंट करने का फैसला? फैसला क्यों किया मैंने? क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मुझे लगता है कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल फारिग नहीं, मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूं, मैं किसी और का दिमाग खाऊं, मैंने घर वालों का बहुत खा लिया, मैं बिल्कुल फारिग नहीं थी, मैंने कहा मैं मजीद बिजी हूं। ओह हाउ हैज दैट टर्नड आउट? कैसे चल रहा है? सब बहुत जबरदस्त, बढ़िया, और आई एम एंजॉयिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाई अगर मैं कहूँ ये हेड है सिस्टरहुड की, तो है कि नहीं है? वो हेड है, हम एंड है। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, एग्जैक्टली। और ये हेड एंड टेल गुस्सा कितना होती है? नहीं नहीं, सब कैमरा पे नहीं बोलते। नहीं नहीं नहीं, ये तो मजाक किया था, नहीं हमें तो प्यार ही बहुत है। तो ये लड़की, इसका मैं जितना साथ देती हूँ ना, ये जैन ये मुझे हर मुश्किल में छोड़ जाती है। राबिया को कुछ कहती हूँ वो मेरी बात, भाई बहनों के लिए तो फिर भी इन दी एंड सब छोटे ही है ना। ये मेरी तारीफ की थी, वो दोबारा ले,
भाई तारीफ 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 करने वापस। ये नाबिया जो है ना वो मेरी सबसे अच्छी बहन। वैसे मेरी बाकी भी बहनें अच्छी हैं, फातिमा भी बहुत अच्छी, फातिमा बहुत सपोर्टिव है। वो जहाँ आपको सपोर्ट करना वो बहुत डट के डंगे के सपोर्ट करती है। और हीरा है वो सबसे समझदार और आपको बड़ा मैच्योर मैच्योर है। और जो मैं हूँ मैं तो द बेस्ट व्लॉगर हूँ यार। I am the best vlogger. I am the best vlogger. Vlogger कहती हूँ मैं। अलग समझे यार vlogger होता है ना, vlogger हम प्यार से कहते हैं। Vlogger is हम पंजाबी हैं। पंजाबी है ना। ठेठ ठेठ पंजाबी। Yes, typical pure पंजाबी। Typical ठेठ। कहाँ से background है? Just walk me through your life. कसूर साइड से, हमारा गांव जो है ना वो कसूर साइड से है। और वहाँ पे बस बचपन क्या हमारा तो कोई नहीं, हम तो पैदा लाहौर में हुए, हमारा सब कुछ यहाँ लाहौर में था, लेकिन मेरे ददियाल ननियाल उनका ताल्लुक वहाँ से था। तो आप लोग जाते हो मिलने के लिए उनसे? हाँ जाते हैं। जाते हैं। रमजान कैसे होते थे वहाँ पे, रमजान गुजारे कभी वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, एक आधा इफ्तारी कर ली किसी ने तो फिर, लेकिन अपने घर में सहरी इफ्तारी का सबसे ज्यादा मजा आता है। इफ्तारी का किसी के घर मजा आता है, सहरी अपने घर में, इफ्तारी किसी के घर। मेरी माँ ने हमेशा हमें तली हुई चीज नहीं खानी, अब्बा हमेशा ये नहीं खाना। यार किसी के घर जाके ना बहुत सब कुछ मिलता है। हम भी आपके लिए इसी तरह की चीजें लाए तो आराम से खा लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, वरना युल्की आप क्या बनाती हैं इफ्तारी में? और इनमें से कौन हेल्प कर रहा होता पांचों में से? मैं तली ज्यादा नहीं बनाती। अच्छा, हीरा को पसंद है, उसने लाजमी बनाने। ओहो, तो मैं दही भल्ले ऐसी चीजें, दही मैक्रोनी, ये सिर्फ फरमाइशें थी या आप बनाती भी हैं? कभी कभी, लेकिन हेल्प मैं बताती हूँ हीरा मामा से ज्यादा। हाँ ज्यादा करती है। मुझे तो नींद बहुत आती है रोज, पता नहीं क्या ही हो जाता है, मैं समझ नहीं आती मैं इतनी आलसी क्यों हूँ। फिर आलसी होने के साथ साथ डॉक्टर भी तो है। हाँ, ये कैसे हुआ फिर? ये अजूबा कैसे आया? सबसे पहले डॉक्टर थी मैं, सबसे पहले अजूबा। मेरे बचपन से मेरे दिमाग में मेरे डैड ने इंजेक्ट किया था बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना। और फिर वो ड्रामा नहीं था दिल मिल गए, डॉक्टर ने दिमाग, डॉक्टर अरमान मलिक डॉक्टर बनना, डॉक्टर ने दिमाग बनना, मुझे भी कोट पहनना है, मैं भी वैसी अच्छी लगना है, ऐसे करना है, ऐसे बड़ी फैंटेसी। बहुत ड्रामे ने बाकी बहुत से लोगों का दिमाग फैंटेसाइज़ किया। उस ड्रामे से इंस्पायर होकर मैंने सोचा मुझे एज अ डॉक्टर आई थिंक अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। हाउ वाज योर डॉक्टर वाली लाइफ, हाउ वाज योर डॉक्टर यूनिवर्सिटी, मतलब क्या पूरा वॉक मी थ्रू इट, कि यार जब आप अपनी डिग्री हासिल कर रही थी, जब पढ़ रही थी, तो वो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी? बेस्ट लाइफ थी। मैं, मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंजॉय किए और अभी तक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हर मोमेंट में से जिंदगी निकालते हो, तो मैंने एंजॉय की है। तो मेरा जो मेडिकल था वो मुझे पता चल गया था कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो सका क्योंकि मैं केयरलेस हो गई, और मेडिकल में आपको पता है गवर्नमेंट के एडमिशन के लिए मेरिट बहुत है। बिल्कुल, बड़ी पैसे लगा देंगे अब, लाइक अच्छा ठीक है लगा देता हूँ, क्योंकि उनको उनका भी शौक था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेडिकल के स्टार्ट जब मैं बिल्कुल एडमिशन ले रही थी, तो मैंने कहा कि मैं नहीं करती मेडिकल ना। okay. तो मेरी क्योंकि स्केचिंग और आर्ट बहुत अच्छी है, मैंने कहा मुझे टेक्सटाइल डिजाइनिंग या ग्राफिक या फैशन डिजाइनिंग कर देती हूँ। तो ये सब हुआ, उन्होंने कहा, मैं मम्मा के साथ गई, लाइव ड्राइंग बनाई, पास हो गई, सब कुछ क्लियर। अब मैं वहां पे थी कि मैंने डिसाइड करना था कि मैंने यहाँ जाना है या वहाँ, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था और ये प्राइवेट में मेडिकल। बिल्कुल। और डैड ने कहा बेटा जो नाम है डॉक्टर है तुम्हें पता है उसका शशका क्या होता है? उसका भरम भी था। कहा चलो यार इधर निकल दे और छोड़ दो। फिर वो सही, मतलब अब्बू ने सही ब्राइट किया था, सही ब्रेन वॉश जो कहते हैं ना, जिसको ब्रेन वॉश नहीं किया, उनको था कि मेरे बच्चों वो खुद डॉक्टर है। हां बिल्कुल, माशाल्लाह। तो उनको है कि मेरी कोई बेटी डॉक्टर होती, जैसे मैं मेडिकल कर रही हूँ, मेरे से छोटी ने उसने फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में उसने ग्रेजुएट किया है, फातिमा न्यूट्रिशन साइंसेज वो भी डॉक्टर मेडिकल फील्ड, फिर राबिया ने आके सब कुछ बदल डाला। हम सब ने कोई ड्रामास और मूवीज से इंस्पिरेशन ली, लेकिन जो मजा आया करियर को स्टार्ट करने में, चूज करने में, थ्रू आउट द जर्नी आपके पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट कर रहे थे, फिर मेडिकल शुरू हो गया मेरा। बिल्कुल। और मेरा बड़ा अच्छा जर्नी जा रहा था, बहुत पढ़ना पड़ता था, लेकिन इंटरेस्ट हुआ उसमें। अम्मा और मैं हम लोग मिलके चुपके, इकरा की आवाज बड़ी अच्छी है, अम्मा गाने सुनाती रहती थी, फिर मैंने पापा से कहा मैंने गाना गाना है, पापा कहते बेटा डॉक्टर बन जा, जो करेगी करने दूंगा।
बस फिर मैंने ध्यान तो... पे दिया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर मैंने 2017 में एज ए सिंगर अपना करियर स्टार्ट किया। ओके, फिर होस्ट बन गई, फिर कुछ बन गई, फिर द बेस्ट व्लॉगर बन, फिर द एंड। तो ये व्लॉगिंग जब फिर आपने शुरू करी तो ये ऐसे बस एकदम बैठे बैठे ख्याल आया कि यार लेट्स जस्ट पिक अप द फोन एंड लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग द डेली लाइफ, या फिर डिसाइड क्या था? 6 साल पहले आज मैंने चैनल बनाया उसमें अपने गाने अपलोड करती थी। उसके बाद मैंने क्या किया, गाने अपलोड करते करते फिर एकदम 3 साल पहले, एग्जैक्ट 3 साल पहले मैंने वो किया, स्किट बनाए, जैसे खानदानी औरतें पप्पे को बनाती। ये लॉकडाउन के वक्त की बात है ना? नहीं, उससे पहले की बात। ओके, लेकिन लॉकडाउन में ज्यादा फिर एक्टिव हुए होंगे ना, क्योंकि लेकिन वो जो था ना वो जर्नी, वो जो जब हमने 3 साल पहले एक स्किट था तब ये दोनों एस्ट्रोलॉजी में थी ही नहीं। ये नाम बड़ी क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली, मैं इस नाम के पीछे भी आऊंगी, आप कंटिन्यू करें फिर मैं आती हूँ। ये क्या है? क्या हिरा और फातिमा, हम तीनों ने आंटियां बनके ईद की एक वीडियो, ईद स्पेशल एपिसोड, तो वो फिर बन गया ना सिस्टर ट्रिलॉजी, यानी तीन बहनें, तीन औरतें तीन कहानियां। उसके बाद फिर दो औरतें और सारी और सबसे अच्छी लड़की फिर आ गई बाद में। उसके बाद मेरे डैडी आ गए, डैडी आ गए, व्लॉग्स का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में लॉकडाउन, एक साल पहले मैंने स्टार्ट किया है उसको प्रॉपर डेली व्लॉगिंग। लेकिन जो हमें प्यार दिया लोगों ने लॉकडाउन, वाकई में बहुत प्यार मिलता है माशाल्लाह, लोगों को पसंद भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अम्मी और अब्बू जब व्लॉग्स में या वीडियोस में आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली बाकी सब तो बड़े कैमरा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हर किसी के कैमरा फ्रेंडली नहीं होते। तो आप लोगों का वाज इट अ इजी सीन? कोई भी एक पर्सनालिटी भी अम्मा पे नहीं गई है? खुद मानती है वो कहती है अब तो पैदा होने वाली थी मैं बहुत सुस्ती। बस वही चीज आपके अंदर भी आई है, लेकिन नहीं लक लेके आई हूँ यार साथ। बेशक बेशक, 5 बहनें हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने रहमतें हैं, रहमतें इकट्ठी, 5 और 6 रहमत। बिल्कुल ऐसा ही, हाउस ऑफ पावर, हाउस ऑफ रहमत। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि यार मतलब हम काफी हैं, मतलब कभी होता है ना बहनों को महसूस होता है ना कभी यार हमारा भाई क्यों नहीं है जिसको हम थोड़ा तंग वंग करें या कुछ इस तरह से करें। तो अब हालात देखती लोग भाई ट्रस्ट मी, मैं अपनी दोस्तों की कहानी सुनो, मेरी भाभी ने ये कर दिया, मेरा भाई बदल गया, मेरी अम्मा परेशान हो, अल्लाह मेरी माँ बाप को सजा, मतलब अल्लाह माफ करे जिसके पास है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो स्टोरीज होती है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है, तो उसकी वजह से मैंने कहा नहीं यार बहुत अच्छा, हम लोग बेटे बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो कहते हैं ना एक पैकेज में दो चीजें बिल्कुल ऐसा ही है। अगर माशाल्लाह सास होती तो बहुत अच्छी होती, मतलब अभी भी है, अभी भी सास है, लेकिन अगर हम वो नंदन क्या होता है बहुत खतरनाक मैंने तो हमारी मुझे बहू होती उसका जीना, भाभी से रिलेशन बदल रही है, भाभी को बहू बनाऊंगी। जिसको तमन्ना है हमारे घर की भाभी बनने की वो सुन ले, 5 चुड़ैल एक साथ सबका अटैक, बेटी का रिश्ता नहीं देते, इसकी 5 बहनें हैं, वो जीना आराम कर देंगे। है तो सोसाइटी है ना, भाई की बहन अच्छी नहीं होती, बहनों की बहनें अच्छी होती है। ये तो 100% ऐसा ही है यार, हार्श कमेंट्स आते होंगे और कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म भी आता होगा। मैं देखती नहीं, हम कमेंट्स ऐसे, ये तो मुझे लग रहा है देखती होंगी, मैं देखती है कमेंट्स पर, लेकिन इतने बुरे आते हैं हमें बहुत ज्यादा, हमें ज्यादातर ना मतलब 99% प्यार, 1% लोग हैं, और मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि वो हमसे जलते हैं या वो
कोई भी इंसान कमेंट बॉक्स में आके अपनी तरबियत बताता है, मुझे लगता है कि वो 1% जो लोग हैं वो शायद अपनी जिंदगी में कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और है। उनके पास कोई चीज नहीं है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, वहां पे आके निकालते हैं इट्स ओके, वो एक्चुअली में अपनी चीज रिकवर कर रहे हैं, वो आपको हार्म नहीं कर रहे, तो आप उसको अपनी एनर्जी तक आने ही नहीं दो। Exactly, क्योंकि आप लोग फिर डेली व्लॉग भी कर रहे होते हो, अपनी लाइफ सबके साथ शेयर कर रहे होते हो, कोई प्रिवेसी नहीं होती है, हर जहाँ भी जाना तो सब चीजें रिकॉर्ड करनी होती है, फिर आप कैसे उसको मेंटेन करते हो? प्राइवेसी इन अ सेंस के ऐसे नहीं कि कोई हमारी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है, लोग तो डेली व्लॉग में सभी कुछ दिखा रहे हो, लड़ाइयां भी हो रही होती है, पता नहीं फोन क्यों बोल रहा है, जो कमेंट्स होते हैं उसमें इतने अच्छे होते हैं कि बुरे की तरफ नजर ही नहीं जाते, बिल्कुल अच्छे पढ़ो, कभी कभी बुरे कमेंट, कभी आपका अपना मूड नहीं सही, एक बुरा कमेंट आपको बड़े बुरे ट्रॉमा में लेके, बिल्कुल ऐसा ही है, वो मेंटली भी तो अफेक्ट करता है ना कि यार मैं सुबह से उठ के व्लॉग कर रही हूँ, हर चीज अपनी दिखा रही हूँ, उसके बाद इन दी एंड आप पूरा देख कर, पूरा 16 मिनट्स का देख के नीचे आप ये कमेंट करें, लेकिन वो मेरा वही करते हैं जो सिर्फ किसी चस्के के लिए आए होते हैं, उनको नहीं मिला होता, बिल्कुल बेचारे भूखे रह जाते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अच्छा हाँ, रिश्तेदारों से तो फिर बात निकलती, मतलब सपोर्ट था कि नहीं था, मतलब हाउ टू देयर रिएक्ट, नहीं पेरेंट्स की सपोर्ट काफी थी, हाँ रिश्तेदार की किसको जरूरत है, एग्जैक्टली जब फैमिली अभी रिश्तेदार देख रहे हैं वैसे हाई करते हैं उन्हें, हमारी पुपियां बहुत अच्छी हैं, हमारे चाचू बहुत रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार जो आपका क्या कहेंगे यार, वो जो नॉर्मली बातें आपको सुनने को, बिल्कुल 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 कुछ भी नहीं कहा, हाँ वो हमेशा पीछे से ही आती है ना, बिल्कुल खराब करते हैं, लेकिन मैं अगर पर्सनली मुझसे कोई पूछे तो मेरे मामू बहुत अच्छे हैं, मेरी खाला है, मेरी दो खाला है, मेरी एक छोटी, बहुत अच्छी हैं, तो उनके साथ एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है बॉन्ड, लेकिन कुछ बीच में जैसे कुछ कजन्स या कुछ चीज इस तरह की होती है तो उसकी वजह से सारा रिश्ता बदनाम हो जाता है, तो बस ऐसा ही हुआ हमारे साथ, बस खैर हो गई, क्या है चलता है जिंदगी, ऐसे ही चलेगी, आपके साथ भी होता है, बिल्कुल होता है सबके साथ होता है ऐसे, क्योंकि हर कोई हमारी हर चीज को अप्रूव थोड़ी करेगा, बट स्टिल हमें तो वही करना है ना जो हमें पसंद है, सबसे ज्यादा खराब भी पता है जो आसपास मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, ओए होए उनको तो अजीब मसले होते हैं, यार कोई किस्सा तो बता दो, किस्सा मैं बताती हूँ, मैं मेडिकल मतलब जब मैं कर रही थी तो मैं लैब कोट पहन के आपकी क्लिनिकल रोटेशन होती थी और मैं अगर गुजरती थी तो वहां पे था और अगर आपको एक लड़की इंडिपेंडेंट दिख रही है, मुझे शुरू से ही आज तक पापा ना कहीं से लेने गए थे ना छोड़ने गए थे, मैं अकेले ट्रैवल की है मैंने, अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही कुछ भी तो वो वहां पे लोग एक दूसरे के काम में, अच्छा ये तो लड़की ऐसी है तो कोट पहनती है सुबह सुबह और 7 बजे निकलती है और 4 बजे वापस आती है, भाई हमारी बस की टाइमिंग होती थी, एग्जैक्टली हम लोगों ने स्टॉप पे जाना था, यूनिवर्सिटी की बस आती थी तो उनको नहीं पता था कि ये स्टॉप पे कहाँ जाते, तो वो इस किस्म की फिर चैमगोइयां होती हैं जब आप, और वैसे भी जिस घर में लड़की होती है बात तो हुई वो ऐसे ही होता है ना, वो फिर लड़की देख के वैसे ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है। सबसे ज्यादा ना बचपन का कोई फनी सा किस्सा इन लोगों का, आपका नहीं, अभी अब इनके कान पकड़ेंगे फौरन से मना कर रही हूँ, मुझे फौरन से बताओ, फातिमा का तो छोड़े, इसका बचपन का एक किस्सा था, मैं सबसे ज्यादा प्यार इससे करती थी, अच्छा इसका फनी किस्सा यह था कि जब मैं थी अभी भी करती हूं इसको ना, मैं जब भी स्कूल से वापस आती थी तो मुझे अगर 5 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से मैं 4 रुपए की चीज इसके लिए लेती थी, 1 रुपया मैं खुद स्पेंड कर लेती थी, क्योंकि मैं बड़ी लंच बॉक्स लेके जाने वाली बच्ची थी और मुझे गंदी चीजियां खाने की आदत थी, तो वो चीजें लेकर आती थी मैं हमेशा, एक दिन मेरा दिल किया मैंने पूरे के पूरे 5 रुपए मैंने स्पेंड कर लिया और खा लिया, ये आई है घर में आके, ये ना नौ, मैं नौ करती थी स्कूल से तो कहती आप ही ऐसे बोलती थी, आप ही इतना बुरा नहीं बोलती क्या पता था छोटी दरवाजा खोल देती थी और मैं दे देती थी, फिर एक दिन मैंने कहा, जिस दिन मैंने कहती चिज्जी लाइयो, मैंने कहा नहीं
कहो लाई हूँ। मैंने कहा राबिया नहीं लाई। आप ही कह दो ना लाई हूँ। मैंने कहा हाँ लाई हूँ, खोल के दो। कहा क्यों था लाई हूँ? फिर कहा क्यों था? और एक दफा मतलब मेरी घर पे लड़ाई हुई, मैंने ना रोजा ऐसे रोजों से कहती मैं ना जा रही हूँ घर छोड़कर, मरने जा रही हूँ, और ना इतनी सी इसकी वो पॉकेट टाइप से इसके पैसे जमा किए थे। कहती है मेरी सारी जायदाद राबिया की। मैंने मुझे इतनी, मैं भी छोटी थी तो मामा ने जबरदस्ती रोजा रखवा दिया और मैंने बेड के नीचे घुस के तोड़ लिया। okay. अब चिप्स बन रहे हैं इनमें से किसी का नहीं पता और मैं चुप करके ना चिप्स खा रही हूँ। मैं पकड़ी गई, मम्मा ने मुझे डांटा ही और मैंने पेट में छुरी रख के खड़ी हुई, मैं अपने मारने लगी। ये जज्बाती थी, मैं बहुत जज्बाती थी। टेरेस पे खड़ी होगी, छलांग मारने लगी, पापा कहते मार। अच्छा फिर जब मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया, पापा कहते जा मार दे छलांग, मम्मा कहते दबा लो। और वो 300 मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव की थी। ये बात होगी कोई जब मैं 5-6 क्लास में थी, तो मैं राबिया को, राबिया अभी क्यों रो रही है? अभी ना जा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना जा, मेरी सारी जायदाद राबिया की। मैंने कहा मैं मरने से पहले वसीयत करके रहूंगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी राबिया की। अब नहीं, अब तो बिल्कुल ऐसी भी आई थी, अब तो बिल्कुल मेरे बच्चों को मिले, अब तो ये बिल्कुल भी ना दे, कुछ भी नहीं दे। यानी सब सबके अंदर ना कोई एक टैलेंट है, ठीक है, लेकिन ये चीज तो हर कोई पूछता है ना, आपके अंदर क्या टैलेंट है भाई? सिंगर है। आपके अंदर क्या टैलेंट है? ऑब्वियसली क्या टैलेंट है? ये कहती है मैं ब्लॉग्स में आती हूं, ब्लॉग्स में आने का टैलेंट, लेकिन टैलेंट है ना, लेकिन हर किसी के अंदर ना एक अच्छा गाती है। अच्छा हम बिल्कुल गाना नहीं गवा रहे, लेकिन हर किसी के अंदर ना, अजाहिर सी बात है, 5 बहन है, यूजलेस टैलेंट जरूर होता है। ये एक यूजलेस टैलेंट, मैं उल्टे हाथ से लिख सकती हूँ, ओहो ये मेरा यूजलेस टैलेंट है। मेरा है नॉन स्टॉप 2-3 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, मतलब 0.5 घंटे बोल सकती हूँ, मैं 6 घंटे बोल सकती हूँ, 12 घंटे चलेगा। मैं कह रही हूँ कि हम तीनों रेस लगाते हैं, कौन चुप होता है, कौन पहले चुप होता है। और आप क्या यूजलेस टैलेंट? हमने इसका नाम रखा था, हर बात पे छिड़ती थी, मानो क्या कर क्यों की मिमिक्री कर जबरदस्त। और हम दो लोगों को भूल गए, उनका यूज टैलेंट भी बताने वो भी है नहीं यहाँ पे। फातिमा का सारा वो पावर टैलेंट है, यूज टैलेंट चाहिए, वो रोती बहुत जल्दी, वो लेती है। और हीरा का, हीरा का यूजलेस टैलेंट ये है, वो बहुत जल्दी सो जाती है, बहुत जल्दी सो जाती है। अच्छा हाँ, वो नहीं, कुछ लोग होते ना इधर भी हल्का सा, हल्के से बैठे हो, हल्का सा उनका सर लगे तकिए पे और सो गए, ऐसे वाला नहीं, वो इंस्टेंट्स होते हैं। वो जो बहुत जल्दी सो जाए ना, मतलब रात को हम लोगों की पार्टी शुरू होती है, वो लाइट बंद कर दो, ये हो गया, मतलब ये तो अच्छा पॉइंट हुआ ना, मेरे हमारे लिए यूजलेस है, किसी को फायदा नहीं जल्दी सोने का, सोयो तो क्योंकि तुम्हें हमने सारी रात फिर भी खपाना है, तो मैं हमारे कान में हमारी आवाज आएंगे, तो तुम क्या कर लोगी? तो ये यार क्यूट, यार वेरी नाइस भाई। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों की फ्रेंडशिप डकी से और अरूप से बहुत ज्यादा है, तो फिर तो उनके भी तो बनता है ना बताना। वो हमारे असली असली कहते हैं ना, सगे बहन भाई, सगे भाई, भाई। मुझे लगता है कि अगर हमारा बाकी कोई भाई होता तो डकी भाई, दिस इज सो क्यूट, मैं ट्रूली उनको बोलती हूँ वो मेरे भाई है। माशाल्लाह, फिर तो आपकी भाभी ठीक ठाक है ना? वो बहुत अच्छी है, वो बंदी बहुत अच्छी है, शी इज वेरी पॉजिटिव, और कुछ लोग मुझे उसकी हम जगह भी बना देते हैं, जब लोग हैं ना काफी कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो बंदी बहुत अच्छी है, शी इज वेरी नाइस। अगर वाकई नहीं, उसको तो हमने कभी बताया, हम नंदे हाँ, जब शादी पे जाना था तो मैं अपने ब्लॉग में कहा हम लड़के वाली साइड से हैं, डकी भाई की साइड से, तो डकी भाई के साथ हमारा बिल्कुल फैमिली वाला है। दिस इज सो स्वीट, क्या आपका हाथ दुख गया? हाँ जी बिल्कुल, बस उनका इशारा आ गया कि हम इफ्तार की टेबल पे चल लेते हैं, क्योंकि भी आधा सा टाइम रह गया इफ्तारी में, और मेरा बोल बोल के रोजा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बोल बोल के रोजा भी लग रहा है। तो भाई मुझे जरा डकी भाई की कोई आप तीन अच्छी और तीन यूजलेस बातें तो बताएं। तीन अच्छी और तीन यूजलेस मैं बताती हूँ।
अच्छी सबसे अच्छी उनकी आदत है कि वो जेन्युइन है. ओके. सबसे अच्छी आदत कि वो जो है वो मुंह पे है, कोई फेक कोई वो एक होता है ना, कोई सेलिब्रिटी लोग होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ. ओह यस यूजुअली मैं बताऊंगी. और तीसरी उनकी अच्छी आदत है कि वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं. ओह जो मुझे सबसे अच्छी लगती है. वाओ और जब आपको उनकी जरूरत है वो आपके साथ होंगे. पार्टी खत्म होती है उनकी शुरू होती है, लेकिन हम लोग वेट करते हैं क्योंकि हमारा खिलौता भाई है. वेट लॉस कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे कुछ लोग जो होते हैं ना वो पार्टी की जान होते हैं, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो, फिर चाहे वो आपके भाई हो, फिर चाहे वो आपके कजन्स हो. तो आप लोगों कजन्स से कोई अच्छा है, लाइक अंडरस्टैंडिंग है कजन से, या फिर आपस में जो है यू गाइस आर लाइक हम बहने ही काफी. एक्सेलेंट यार, बहुत बहुत मजा आ रहा है से बात करके. आज बैठ जाए, ये इफ्तारी हमारे लिए सजाई गई है. बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बिल्कुल आपके लिए सजाई है. मेरा ब्लॉग तो रह गया, मेरे गाइस भी तो देखेंगे ना. अब अपने ब्लॉग में भी सबको ले सकती हैं. मेरा जो ब्लॉग है ना वो ये है कि मैं साथ साथ हर चीज को डॉक्यूमेंट करना. ये देखिए, समटाइम्स ऐसे थक नहीं जाते यार. ये हमारी साड़ी लेके आए हैं जिसका हम इंतजार करते हैं. मेरी अम्मा जो है ना वो देखिए, ये थकती नहीं है, पैदा ही बोलने के लिए. वो कहते हैं ना कुछ लोगों का काम क्या है बोलना. हमारे पापा में आ जाते हैं बहुत बोलते हैं. क्या हम पापा की तो बताने ही भूल गए. पापा को आपने खुद ही नहीं मिस कर दिया. अच्छा वो अच्छी बात हो गई. और गाड़ी किसको आती चलानी? हम तीनों को नहीं आती, सिर्फ हीरा और फातिमा. मैं भी सीख रही हूँ, आ जाएगी. Soon guys. तो आपने क्यों नहीं सीखी यार? यार मैंने सीखी है, मैंने दो चार बार ठोक दिया. तो अच्छा, उसके बाद ठोकने के बाद मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी कि मैं ड्राइवर रखूंगी. मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुद एक थक के आए हो तो आगे लूंगी. क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, कॉर्पोरेट लाइफ जीनी है. कोई बात नहीं, इन्होंने इनके पास एंगेजमेंट हो गई है, आ गया है. ओ मेरे दानव, मेरा लाइफ टाइम ड्राइवर आ गया. ओके एग्जैक्टली. अरे यू आर नॉट अ ड्राइवर. ओके हां, अब इनकी भी जरा थोड़ी सी बता दें आप हरकतें. अरे इनकी अच्छे आते हैं और यूजलेस भी. क्या पर्दे में सब कोई बात नहीं, शर्मा. अरे इनकी सबसे अच्छी आदत है इज वेरी जेन्युइन, लाइक जो है अगर मैं बुरी भी दिख रही हूं इकरा ये क्या पहन रही है, बुरी लग रही है, नहीं कि तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं झूठ बोलूं. डायरेक्ट बिना सेंसर बिना फिल्टर के जो है वो ही बोलता है. वो मुझे उसकी सबसे अच्छी चीज है. दूसरा कि कभी किसी चीज में कोई गलती भी हो ना तो दो मिनट में उस चीज का रियलाइज कर लेता है कि हाँ यार मेरी गलती थी. ऐसा नहीं है कि गलती थी तो अब तो बेटा तुम ही बनाओ और चार चार दिन मुंह बनाना, ऐसा नहीं है. दो मिनट से पांच मिनट आई थिंक हार्डली. और तीसरी अच्छी चीज उसकी है, वो बहुत अच्छा है. वो मतलब यहाँ भी हम एडिट पे फ्लाइंग हॉर्स लगा, वो बहुत ही अच्छा है. इज वेरी सपोर्टिव, वरना लड़कियों को होता है यार इफ यू आर वर्किंग गर्ल या आप कहीं काम कर रहे हो आप फील्ड में, बिल्कुल ऐसा है तो कोई क्या बोल. वो बंदा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगे सपोर्ट है कि कोई कुछ नहीं कहेगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. खुद भी बहुत सपोर्टिव. वेरी नाइस भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह. और वही आदत उसकी यूजलेस. और तीसरी बुरी आदत, मतलब बुरी आदत क्या, यूजलेस क्या ही आदत, उस लड़के ने फ्रूट नहीं खाना. और मैं नहीं बता सकती. और वो बाकी हम हेल्दी नहीं खाना, हमको बाहर से जो मर्जी खिला दो, हम प्रो मैक्स है खाने में लेकिन हम घर से नहीं खाएंगे. ये जबरदस्त. आज तो फिर आपने इफ्तारी करनी है और खानी है हमारे साथ बैठ के. एंड थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया. आप लग रही है तो मुझे बहुत, क्योंकि अब बस वेट कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है.
तो आई थिंक हमें तैयारी करनी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बातें करके और एक दूसरे को तंग करके। कोई बात नहीं, अगर आपका दुपट्टा नहीं है इट्स ओके भाई, सारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं ऑफ कोर्स इसमें सब लोग ही हैं आपको जो देखने वाले हैं, तो प्लीज इनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? मैं मैसेज दूंगी गाइस, अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करो, जिंदगी में खुश रहोगे वरना फजूल है जिंदगी लगती है। तो ये मेरी तरफ से मैसेज है, कंपैरिजन खत्म कर दें, लाइफ अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तुम भी आगे से कहते सेम, मैं तो भी हमेशा खुश खुश रहे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको ये होना चाहिए कि आप जिंदा हो, ये आपके लिए बहुत स्टेटस यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, मुझे लग रहा है ये फरहान अख्तर है क्या जो बोला, संदीप ने बोला तो संदीप को फरहान ने भी कॉपी किया था यार, जब बात हो ही रही है मैं वो कब से पोस्टर देख रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वहाँ सिद्धू मूसा कौन है ये फैन, ये मैंने फातिमा को बर्थडे गिफ्ट दिया था, वो बहुत बड़ी फैन है सिद्धू, सही है हाँ, तो मैंने इसको बर्थडे गिफ्ट बड़ा खुश हुई, डाई हार्ड फैन। और जब वो फौत हुआ था तो फातिमा रो रही थी तो हम सब, मैं भी रोई थी लिटरली, मतलब एक चीज पता नहीं, लेकिन मुझे मरने के बाद मैंने उसके गाने ज्यादा, वैसे मुझे 295 ज्यादा लगता था, लेकिन फातिमा ने तो पूरा दिन का शूट करी थी और कहती थी यार रोक दो आज कुछ काम नहीं करूंगी, सोसाइटी वापस भिजवाई थी, अब वो सिर्फ एक शॉक में थी, उसके गानों में मीनिंग होता है ना इसलिए बस सुनती है ना, पर्सनल आप पीती हैं बिल्कुल ऐसा ही है भाई। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, इतना मजा आया आप लोगों के साथ, दिस वाज वेरी अमेजिंग, थैंक यू वंस अगेन एंड रमजान मुबारक, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।